नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद भारत में। मैं हूँ आपके साथ श्वेता त्रिपाठी। यूपी के आजमगढ़ से लव सेक्स और धोखा का मामला सामने आया है, जहां सरकारी नौकरी लगने पर एक प्रेमी ने अपने प्रेमिका को शादी करने से इनकार कर दिया। शादी करने से इनकार करने पर प्रेमिका प्रेमी के घर पहुंच गई और धरने पर बैठ गई। साथ ही प्रेमिका ने कहा कि अगर उसकी शादी नहीं हुई तो वह जहर खाकर आत्महत्या कर लेगी। यूपी के आजमगढ़ जिले के सेमराहा गांव में रविवार को सरकारी नौकरी लगते ही शादी से इनकार करने पर प्रेमिका शिक्षक प्रेमी के घर पहुंच गई। शिक्षक के परिजनों ने विरोध किया तो धरना देने लगी। शादी न होने पर जहर खाकर जान देने की धमकी देने लगी। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने प्रेमिका को लेकर थाने आई। प्रेमिका ने शिक्षक प्रेमी पर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप भी लगाया। पुलिस आरोपी शिक्षक के विरुद्ध दुष्कर्म करने के मामले में रिपोर्ट दर्ज कर जांच में जुट गई है। आपको बता दें कि रानी की सराय थाना क्षेत्र के सेमराहा गांव का निवासी शिक्षक व निजामाबाद थाना क्षेत्र की निवासी युवती रानी की सराय बाजार के पास एक निजी विद्यालय में पढ़ाते थे। इस दौरान दोनों में प्रेम हो गया। प्रेमी शिक्षक ने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध भी बनाया, साथ ही 5 माह बाद शादी की बात से इनकार कर दिया। दोनों में पहले भी पंचायत हुई थी। नवरात्र के पहले दिन शादी करने की सहमति बनी थी, जिसका नोटरी शपथ पत्र भी तैयार हुआ था। गत 16 अक्टूबर को प्रेमी शिक्षक को सरकारी शिक्षक बनने का प्रमाण पत्र मिल गया, जिसके बाद सरकारी नौकरी मिलते ही शिक्षक शादी से मुकर गया, जिसके बाद रविवार को युवती शिक्षक के घर पहुंच गई और शादी की जिद पर अड़ गई। प्रेमिका ने कहा कि अगर शादी नहीं किया तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। वही सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस प्रेमिका को लेकर थाने लाई। साथ ही तलाशी के दौरान प्रेमिका के पास से जहरीला पदार्थ व एक छोटा सा चाकू बरामद हुआ है। रानी की सराय थाना प्रभारी रमाण सिंह ने बताया कि प्रेमिका के बयान पर शिक्षक आनंद पुत्र रामाज्ञा निवासी सेमराहा के विरुद्ध दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कर युवती को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया है। क्या यही प्यार है? या क्या यही प्यार की परिभाषा है कि सरकारी नौकरी लगने पर संबंधों को भुला दिया जाए? फिलहाल हमारे बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हिंद भारत। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।